हेलो बच्चों, कैसे सभी। आज बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है, बोलने में बार बार दिक्कत होती है, तो अगर मेरे से गलत भूल जाए तो इसे थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है बच्चों। तो इसके बच्चों दो टाइप्स होते हैं आपके, SN1 और SN2। SN1 और SN2 आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बोर्ड में आता जाता है। और आपने देखा भी ऑफलाइन क्लास में कहीं पे आपने पढ़ने की कोशिश की तो थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन आपको आज को इससे रिलेटेड आपको आज कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आज आपने मेरी वीडियो पूरी देख ली तो मेरी गारंटी है आपके बिल्कुल सारे डाउट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। आज हम बच्चों पढ़ेंगे SN2 के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे SN1 के बारे में, नहीं तो बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मैं वीडियो में आपको ऐसे नहीं खिचड़ी बन जाए आपके दिमाग में, इसलिए सिर्फ आज हम पढ़ेंगे SN2 के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे SN1 के बारे में, ठीक गाइस। अब SN1 SN2 का मतलब क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूं बड़े सिंपल तरीके से। अगर आपके याद हो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है। आपका एक है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड है आपका, और एक है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो पॉजिटिव चार्ज से क्या रखता हो, अट्रैक्शन रखता हो, ठीक है। जो किससे अट्रैक्शन रखेगा, पॉजिटिव चार्ज से। इसका मतलब ये क्या करता है बच्चों, प्यार करता है पॉजिटिव चार्ज से, सीधी सी बात है। तो अगर कोई चीज़ पॉजिटिव चार्ज से प्यार करेगी तो उसका अपना नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर जो कोई चीज़ पॉजिटिव चीज़ से लव करेगी यानी लविंग होगी, अट्रैक्शन रखेगी, तो उसका अपना नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब ये क्या करेगा बच्चों, अटैक करेगा किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर। जब ये एल्काइल हैलाइड के ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा, आपको पता है हैलोजन मेंबर एक्स आपका कौन कौन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखेंगे, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन एल्काइल मेंबर का है, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा कौन खींच के रखेगा बच्चों, हैलोजन मेंबर, आपको पता है इतनी सी बात। तो लास्ट में तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल किस चीज पर अटैक करता है, आर पर। यहाँ से आपको जाता है आर NU प्लस एक्स नेगेटिव बाहर, यानी इसे क्या कर देता है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन, इसका सब्स्टिट्यूशन मतलब इसकी जगह अपने आप ले लेता है। और जो यहाँ से छोड़ के चला गया इसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। मैं सब कुछ आपको एक बार याद दिला रहा हूँ, लिविंग ग्रुप अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वीडियो अगर लास्ट तक देख ले, लिविंग ग्रुप, लिविंग मतलब जो चला गया यहाँ से। और जिसके ऊपर अटैक होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है आपका मेन, उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट कौन है गाइज, यहाँ पे आपका बच्चों एल्काइल हैलाइड यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट है, और जो अटैक करता है उसे बोलते हैं रिएजेंट, और रिएजेंट यहाँ पे कौन है, न्यूक्लियोफाइल। अब इस रिएक्शन में अगर आपने देखा हो ध्यान से, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों, यहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट है, आपका जो रिएक्टेंट है यहाँ पे कौन कौन है भाई, एक तो एल्काइल हैलाइड है और दूसरा कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 के अंदर क्या होगा, अब आपको ध्यान समझना है SN1 SN2 का मतलब क्या है। SN1 के अंदर कौन होगा, सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा, एल्काइल हैलाइड। SN1 के अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ एल्काइल हैलाइड। जब भी तो यहाँ पे वन लिखा, वन का मतलब क्या है, तो यूनि मोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे जो रेट होगा रिएक्शन का, रिएक्शन का रेट मतलब जो स्पीड होगी रिएक्शन की, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, एल्काइल हैलाइड पे, यूनिमोलिकुलर। और SN2 का मतलब क्या है, बाई मोलिकुलर, बाई का मतलब दो मोलिक्यूल, बाई मोलिकुलर। सो SN1 के अंदर क्या होगा, जो रिएक्शन का रेट होगा, यानी सिर्फ रिएक्शन के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ एक मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। आपको वैसे तो दिख रहा है यहाँ पे दो मोलिक्यूल है भाई, एक तो एल्काइल हैलाइड और दूसरा कौन है, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन SN1 के अंदर सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट करेगा। और SN2 के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा आपका, एल्काइल हैलाइड भी पार्टिसिपेट करेगा, प्लस आपका बच्चों न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट करेगा। इतनी सी चीज़ है आपकी, यहीं से SN2 और SN1 आपका निकल गया है। अब बच्चों को जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं वो दूर करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझते रहे, एक पॉइंट नोट करते रहे, वो क्या सोच लेते हैं SN1। अब SN1 होती है बच्चों आपके दो स्टेप के अंदर, ये किसी में होती है आपके टू स्टेप में, और जो आपकी SN2 होती है, होती है बच्चों सिंगल स्टेप में, ये किसी में होगी सिंगल स्टेप के अंदर, यानी वन स्टेप में सिर्फ। अब बच्चे इसी चीज़ से कन्फ्यूज हो जाते हैं, SN1 का मतलब क्या सिद्ध है, यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा और SN2 में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, यानी बाई मोलिकुलर, एल्काइल हैलाइड भी और न्यूक्लियोफाइल भी, यहाँ पे सिर्फ एल्काइल हैलाइड, और ये दो स्टेप के अंदर होगी और ये रिएक्शन होगी आपकी सिंगल स्टेप में। तो इतना आपके समझ बिल्कुल अच्छे से आ चुका होगा। अब हम चेक करते हैं बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं, आज का हम क्या पढ़ेंगे, SN2 को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे SN1 के बारे में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आज SN2 के बारे में। अब यहाँ पे बात होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की भी। अब बहुत से बच्चों के तो कान खड़े हुए होंगे एकदम से, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, आप थोड़ा सब्र रखें, सब कुछ समझ में आएगा आपकी। अब यहाँ पे आपको जो सब्सट्रेट लेना है, सब्सट्रेट मतलब आपका एल्काइल हैलाइड, तो आपको यहाँ पे जो सब्सट्रेट लेना है वो लेना है ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड लेना है आपको। एल्काइल हैलाइड मतलब सब्सट्रेट, यहाँ पे आप लिख लो सब्सट्रेट, सब्सट्रेट का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर अटैक होगा। तो आपको यहाँ पे जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो कैसा लेना है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव नहीं लोगे ना तो बहुत रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, लेकिन आपके एग्जाम में सब कुछ पूछा जाता है, तो मैं नहीं चाहता आपको कोई भी डाउट रह जाए इससे रिगार्डिंग, आप बस देखते रहे और इंजॉय करते रहे। तो SN2 के अंदर हमने यहाँ पे पहले क्या लिया, ऑप्टिकली एक्टिव अपना क्या लिया, एल्काइल हैलाइड। अब ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड कैसा होगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होगा, काइरल कार्बन,
उसके अंदर क्या होगा, काइरल कार्बन। अब काइरल कार्बन कैसा होता है बच्चों, वो भी दिखाते हैं। काइरल कार्बन ऐसा नहीं कुछ अलग ही होगा, ऐसा थोड़े मान लो कुछ अलग ही चीज कोई एलियन होगा, ठीक है। कार्बन कैसा होगा आपका, अब दिखाता हूँ मैं काइरल कार्बन आपको। काइरल कार्बन आपका गाइस ऐसा होगा, जैसे मान लो आपका कार्बन हो गया, इधर आप क्या लगा दो, उस पर एल्काइल हैलाइड लगा दिया, मतलब सॉरी हैलाइड मेंबर लगा दिया आपने यहाँ पे, हैलोजन मेंबर एक्स। अब इस मान लो यहाँ पे आपने लगा दिया ए, यहाँ पे आपने लगा दिया बी, और यहाँ पे आपने लगा दिया सी, तो ये कार्बन आपका बन गया काइरल कार्बन। काइरल कार्बन कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो कार्बन जिसके ऊपर चारों अलग अलग मेंबर हो। देख लो आप यहाँ पे एक्स लगा है, ए बी सी सभी के सभी अलग अलग है। अगर मान लो तो आपका काइरल कार्बन हो गया, मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। मान लो आप ऐसे देख लो, एक्स यहाँ पे आपका मान लो एच हो गया, यहाँ पे भी एच हो गया, ये भी एच हो गया, तो इस पे एक तो एक्स लगा और तीन गया एच, तो आप देख रहे हो काइरल नहीं है। काइरल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम ग्रुप आ रहे हैं, सेम मेंबर आ रहे हैं। यहाँ में क्या, सारे के सारे मेंबर अलग अलग होने चाहिए, अगर सारे के सारे मेंबर अलग अलग होंगे तो आपका क्या होगा, काइरल कार्बन, ठीक है। तो काइरल कार्बन की कंडीशन है, तो आपको एक ऐसा एल्काइल हैलाइड लेना है जिसके अंदर हैलोजन मेंबर तो अटैच हो ही, और सारे के सारे जो तीन अलग मेंबर हो वे भी सारे के सारे अलग हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा क्या लेंगे, अपना एक कंपाउंड लेंगे। अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव बच्चों कंपाउंड होता है, इसके अंदर क्या हो, काइरल कार्बन यानी जिसके ऊपर चारों मेंबर क्या हो, अलग अलग। अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड होगा, ये क्या कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है प्लेन पोलराइज लाइट को। इट कैन रोटेट PPL। अब PPL क्या है आपका, PPL की फुल फॉर्म है प्लेन पोलराइज लाइट। अब प्लेन पोलराइज लाइट कैसी होती है आपकी, अगर आप इसके अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करोगे तो उसे क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या एंटी क्लॉकवाइज। मान लो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट ऐसी दिखा दो आप, प्लेन पोलराइज लाइट ऐसी नहीं, कुछ अलग तरह की होगी भाई। मान लो ये क्या होती है बच्चों, प्लेन पोलराइज लाइट आपकी क्या होती है, सिर्फ एक प्लेन के अंदर, जिसके वाइब्रेशन किसके अंदर, सिर्फ एक प्लेन के अंदर। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, आप मान लो बोर्ड को अपना प्लेन मान लो, प्लेन के नाम से बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं। प्लेन को एक तरफ पढ़ दो, मान लो आपका बोर्ड है, ये आपका बोर्ड होगा, इसे आप थोड़ी देर के लिए लाइट मान लो, आपको देखो कितना जल्दी समझ में आएगा। आपका बोर्ड एक तरीके से प्लेन मान लिया आपने, अब बोर्ड के ऊपर मान लो आपकी क्या, लाइट मान लो, तो लाइट आपकी मान लो ऐसे मूव कर रही है, ये सिर्फ आपके एक प्लेन में, ऐसे नहीं मान लो इसकी वाइब्रेशन सिर्फ किस में। अगर मान लो मैं एक मार्कर रोल ले लूँ यहाँ पे आपको क्लियर करने के लिए, जिससे आपके कोई भी डाउट नहीं रहे बच्चों, ठीक है, डस्ट में यहाँ पे रख दो जरा। ये आपकी क्या होगी बच्चों, मान लो ऑर्डिनरी लाइट होगी, ऑर्डिनरी लाइट मतलब सिंपल लाइट। उसमें क्या मान लो आपकी लाइट होगी, तो ये वाइब्रेशन ऐसे मान लो, एक तो बोर्ड के ऊपर और दूसरे वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं मान लो, और ये आपकी लाइट आगे मूव कर रही है, ठीक है, और मान लो ऐसे। लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होगा, सिर्फ आपके जो वाइब्रेशन होंगे वो सिर्फ एक प्लेन, मान लो लाइट जा रही सिर्फ एक प्लेन, बोर्ड के ऊपर जा रही, बताओ और कोई सी प्लेन में तो नहीं मूव कर रही ना, ये आपकी क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट होगी। थोड़ा समझने की कोशिश करो, और थोड़ा अगर आपको इससे रिगार्डिंग अब भी डाउट है तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट ले ली आपने, ये क्या आपकी PPL, ये आपकी PPL होगी। अगर आप इसके अंदर से पास करोगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर से, तो इसे क्या कर देगी, रोटेट कर देगी, या तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे राइट साइड मान लो ऐसे रोटेट कर देगी, या ऐसे कैसे रोटेट कर देगी, एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड करेगी, एक साइड ऐसा नहीं दोनों तरफ कर देगी। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब काइरल कार्बन सारे मेंबर अलग अलग, तो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देगा, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए आपको डिनोट करना है प्लस से, और इन्हें बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो इस जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी लेफ्ट साइड, इन्हें डिनोट करते हैं माइनस से, इन्हें हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी। रोटेटरी में इतने सारे टी हैं कि कन्फ्यूज हो जाता है आदमी। आप दोबारा से आपको मैं बता रहा हूँ फटाफट से, कभी आप कन्फ्यूज हो, एसएन2 के लिए हमने यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे होगा, जिसके अंदर काइरल कार्बन होगा, काइरल कार्बन यानी जिसके साथ चारों मेंबर क्या अलग अलग। अब ऐसे के अंदर से अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास करोगे, प्लेन पोलराइज लाइट कैसी होती है, जो सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट हो रही हो, जिसके वाइब्रेशन क्या हो, सिर्फ एक प्लेन के अंदर। अगर ऐसी लाइट को आप इसके अंदर से पास करोगे, या तो इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो लेवो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए प्लस से डिनोट करना है, और लेवो रोटेटरी के लिए माइनस से डिनोट करना है, ठीक है, इतनी बात समझ में आपके। अच्छा बच्चों, अब यहाँ से हम देखते हैं इसकी रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं बिल्कुल अच्छे से। अब हमें यहाँ से कैसा लेना, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेना है जिसके साथ अलग अलग मेंबर जुड़ने हो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ऐसे मान लो हमने यहाँ पे कार्बन लिया CX। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसके साथ अलग अलग मेंबर जोड़ दो। सबसे पहले हमने ऐसे बनाया यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कार्बन जब जुड़ता है तो टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। टेट्राहेड्रल शेप में क्या होगा, वेज लाइन जो पॉइंट प्लेन से बाहर आएगा। तो यहाँ पे मान लो आपने क्या लगा दिया, R डैश मतलब आपको कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। फिर एक क्या बनाओ, डैश डैश लाइन,
यहाँ पे आपने लगा लिया आर, सब कुछ समझ में आएगा, बस देखते रहो, मैं आपको प्रैक्टिकल मॉडल भी दिखाऊंगा आपको, जिससे आपका बिल्कुल साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपका एक बॉन्ड ऐसे बना दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अगर आप इसे चेक करोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है आपका, क्योंकि हमने अभी बात की थी ऑप्टिकली एक्टिव में क्या होगा, या तो आपका हैलाइड मेंबर होगा, चारों मेंबर अलग अलग होने चाहिए। आप चेक कर लें, यहाँ पे एक्स लगाए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर डैश। मान लो आपका मिथाइल है क्या, आपका ये थाइल हो, अलग अलग ग्रुप है, ये भी आपके आर और आर डैश के आपके एल्काइल ग्रुप, और दोनों के अलग अलग, तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इस शेप को अगर आप ध्यान से समझो, ये क्या है, वेज लाइन। वेज लाइन क्या दिखाती है, बॉन्ड प्लेन से बाहर आ रहा है। डैश लाइन क्या दिखाती है, बॉन्ड प्लेन के अंदर जा रहा है। ये हाइड्रोजन क्या है, दोनों प्लेन में। अगर कार्बन को आप बोर्ड के ऊपर माने, तो ये भी बोर्ड के ऊपर, ये बोर्ड के ऊपर, ये बोर्ड से बाहर आ रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। सिंपल, बस खत्म बात, प्लेन का नाम लेके बच्चे घबरा जाते हैं। अब यहाँ से क्या आएगा बच्चे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल। अब जब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, अब यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, अब आपको यहाँ पे गेम समझना है बिल्कुल अच्छे से। तो न्यूक्लियोफाइल बच्चों आपका दो तरीके से अटैक कर सकता है, भाई यहाँ पे दो तरीके के अटैक पॉसिबल हैं। या तो ये पीछे से अटैक करे, मतलब या तो फ्रंट से अटैक करे कार्बन के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जो हैलोजन मेंबर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार रहता है, किससे लव करता है न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चीज़ से। तो किसके साथ अटैक करेगा, यानी किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के पास जाएगा। भाई कार्बन के पास जाएगा नहीं, क्योंकि ये किससे प्यार करता है, पॉजिटिव चीज़ से। तो अब इसके पास अटैक करने के दो रास्ते हैं, या तो ये सामने से आ जाए अटैक करने के लिए, या तो ये आगे से अटैक कर दे, या पीछे से अटैक करने के लिए, यानी फ्रंट अटैक और दूसरा बैक अटैक। तो यहाँ से दो तरह के अटैक पॉसिबल है, या तो आगे से आए फ्रंट अटैक, सामने से हमला बोल दें, ठीक है, आगे से हमला बोल दें फ्रंट अटैक, और या पीछे से आ जाए, इसे क्या बोल लेंगे, बैक अटैक। और इसके लिए कुछ आपको बड़ी साइंस लगानी है, कुछ अलग ही, बैक अटैक, ठीक है। या तो फ्रंट अटैक कर दे या बैक अटैक। अब आप सोच के देखो कौन सा अटैक पॉसिबल है, फ्रंट अटैक पॉसिबल है या बैक अटैक पॉसिबल है। भाई फ्रंट में कौन है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव, हैलोजन मेंबर भी नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल किसे सब्सटीट्यूट करेगा, हैलोजन मेंबर को, तो यहाँ से बाहर निकाल लेगा। और ये भी नेगेटिव, दोनों एक बिरादरी के आदमी। आप सोच के देखो इसे हटाएगा तो ये तो इसका रिपल्शन करेगा नहीं, यानी इसका अपोज करेगा इसे। अब जब ये सामने से आएगा, अगर ये फ्रंट से आएगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, आपस में क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा नहीं, तो इसे आने नहीं देगा। भाई आप सोच के देखो, इसकी नौकरी छुटवा रहा है बेचारा, यहाँ जुड़ा है ये, इसके सामने से आ जाए, ये ऐसे थोड़े नहीं बर्दाश्त करेगा कि सामने से आए और मुझे हटा दे, ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। पीछे से भले आ जाए आराम से, ठीक बच्चों। तो फ्रंट अटैक यहाँ पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि रिपल्शन होगा बहुत ज़्यादा, क्या होगा यहाँ पर रिपल्शन, यहाँ पर लिख लेना आप रिपल्शन, की वजह से फ्रंट अटैक क्या आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आपका नहीं होगा। कौन सा अटैक होगा यहाँ पर, बैक अटैक। कौन सा अटैक होगा बच्चों, बैक अटैक। अब ये जब बैक से अटैक करने आएगा, जब ये पीछे से अटैक करने आएगा, तो जो आपके सारे जो आपके मेंबर जुड़े हैं, ये सारे अभी तो ऐसे थे, अभी चेक करके देखो, ऐसे तो कोई ऐसे मुड़ा होगा, सारे ऐसे सीधे हो जाएंगे। जब पीछे से आएगा तो कैसे हो जाएंगे सीधे, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, देखो कितना आसान है। अब बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, अब बीच में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। रिएक्शन आपकी एक स्टेप में होगी, लेकिन बीच का इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये कहीं रिसेट होगा, ठीक है। तो आप चेक करो देखो कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बन जब पीछे से आया, ये भी ऐसे मुड़े हुए थे, ये ऐसे हो जाएंगे। मैं आपको मॉडल भी अच्छे दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल मॉडल भी, बस आप देखते रहे, आपको मजा आएगा पूरा, ठीक है। आप कहोगे यहाँ बच्चों मजा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सीधे हो जाएंगे, तो ये वाली लाइन आपकी यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, बस आप बनाते चले जाओ, और ये वाली डैश 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 वाली लाइन ऐसे, और आपका ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ये वाली लाइन यहाँ पे आर डैश, और यहाँ पे आपका आर, और जी आपका ये, और यहाँ पे आपका कौन है एक्स। अब एक्स के ऊपर यहाँ पे क्या, पार्शियली नेगेटिव। और यहाँ पे एक चीज़ देखनी है आपको, इसे बनाना है अब डैश डैश करके, मैं बताऊँगा इसे डैश डैश करके क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये अपना बॉन्ड तोड़ रहा है। इंटरमीडिएट का मतलब है बीच में दिखा रहे, बीच में हो रहा क्या है, एकदम से रिएक्शन कंप्लीट नहीं दिखा रही, यानी बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट ये क्या आपका इंटरमीडिएट, यहाँ पे लिख लो आप इंटरमीडिएट, और इस स्टेट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी इस स्टेट, इस अवस्था को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ओके गाइस, ये आपके ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पे आपका क्या, हैलोजन मेंबर तो अपना बॉन्ड तोड़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या, पार्शियली नेगेटिव, ये अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, यानी यहाँ पे क्या लिख लो, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये ब्रेकअप कर रहा है एक तरीके से, जैसे यहाँ पे क्या ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा है, बीबी का मतलब क्या, बॉन्ड ब्रेकअप। और दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफाइल आगे पीछे से अटैक कर रहा है, पीछे से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बी एफ, बी एफ का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, सॉरी सेकंड, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, न्यूक्लियोफाइल, कन्फ्यूजन हो गया था, न्यूक्लियोफाइल, और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव।
ठीक है, पार्शियल नेगेटिव भी है क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा खत्म हो चुका है, पहले पूरा नेगेटिव चार्ज था, अब ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आपको लिखना है बी एफ, बी एफ का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, ना कि बॉन्ड बॉयफ्रेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और ये बॉन्ड तोड़ रहा है, तो ये ब्रेकअप कर रहा है, ये पैचअप कर रहा है। उसी टाइम मान लो जिस टाइम इसने ब्रेकअप किया, इसने आगे पैचअप कर लिया, ठीक है। तो इतने से यार तो आप है, आप समझ चुके होंगे। अब मैं इस स्टेट को आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल मॉडल के अच्छे से भी, जिससे आप सब कुछ समझ आए। ये आपकी टेट्राहेड्रल शेप होती है, ये ब्लू बॉल आपकी कार्बन, ठीक है, अब समझने को इसको, ये ब्लू बॉल आपकी कार्बन, ये आपकी क्या है, रेड बॉल आपका हैलोजन मेंबर। अब इसे आप क्या मान लो, इसे आप मान के चलो बोर्ड के ऊपर, कार्बन आपका मान लो बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है वाला, ये हैलोजन मेंबर भी बोर्ड के ऊपर होगा, यानी बॉन्ड भी बोर्ड के ऊपर है, ये वाला बॉन्ड बोर्ड के ऊपर है, ये दोनों। और ये वाला बॉन्ड अगर आप देखो, मैं जो बता रहा था वेज लाइन, ये बोर्ड से गा रही है बाहर, ये वाला, ठीक है। और ये कहाँ पे बोर्ड, ये जो वाला बॉन्ड है, जो ये बोर्ड के अंदर यानी प्लेन के अंदर जा रहा है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देख रहे हो। अब जब न्यूक्लियोफाइल आगे से आएगा, तो आगे से रिपल्शन क्रिएट कर रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया, शक्तिमान की तरह पीछे से। अब जब ये पीछे से आएगा, तो ये क्या थे, ऐसे मुड़े हुए थे ना, ये आपको मैं दिखा रहा था, ऐसे समझ रहे नहीं आप, ऐसे थे ये, कैसे हो गए फिर, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, ये कैसे हो जाएंगे एकदम से ऐसे सीधे। देखते हैं पीछे से जब अटैक करेगा, ये क्या होंगे, रिपल्शन की वजह से हो रहे हैं, मेन तो क्या है इनमें रिपल्शन हो रहा है ना आपस में, भाई न्यूक्लियोफाइल के साथ इनका भी रिपल्शन हो रहा है, तो इसलिए ऐसे हो जाएंगे। फिर ये आपके कैसे हो गए, ऐसे, मैं वाली स्टेट भी आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल, ये कैसे हो गए, आप बस देखते चले जाओ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपके दिमाग में इमेज ऐसी बन जाएगी कि आप कभी नहीं भूल लोगे। फिर ये बीच की इंटरमीडिएट स्टेट है, पहले मुड़े हुए थे, अब सीधे हो गए, देख लो आप चाहे, ठीक है बच्चों। तो आपका हैलोजन मेंबर ये, समझे बात को, ये आपका हैलोजन मेंबर, ये कार्बन, ये कार्बन हो गया, रेड वाला आपका हैलोजन मेंबर, ये अब कैसे हो गए, सीधे हो गए नहीं पहले से, ये बाहर आ रहा है, ये सीधे, और ये बिल्कुल अंदर जा रहा है। ये बोर्ड में देखने में और असली दुनिया में देखने में बहुत फर्क है। अब ये असली स्टेट ये है इसकी, जो वहाँ पे वो दिख रही है, बाहर आते हुए और ये अंदर जाते हुए, और ये, और पीछे से आपका एक कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये ऐसा है आपका, बिल्कुल सेम आपका गेम ऐसा है, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल ऐसे समझना है आपको, जो मैं मेरे दिमाग में ना आपको मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल आपके दिमाग डिलीवर करने के लिए आपके दिमाग तक, ठीक है बच्चों, जो आप तक बिल्कुल वही बात पहुँचे जो सही है। तो आपको अब बिल्कुल समझ में आ चुका होगा पूरा गेम। अब यहाँ से जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, अब इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से ये तो इंटरमीडिएट स्टेट थी, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एक्स नेगेटिव, तो आपका बाहर हो जाएगा ऐसे। अब ये सारे सारे जो इधर थे, जो इधर थे आपके, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको कैसे बनाना मैं दिखा रहा हूँ, कितना आसान है। सी जो आपका इधर था वो इधर चला गया, यानी ऐसे। आर ये आपका इधर आ गया, ये आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका आर, ये आपका आर डैश, इधर आपका हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट हो गया, और इधर आपका कौन जुड़ गया, आ गया न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपकी ऐसा बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका क्या है प्रोडक्ट, प्लस एक्स नेगेटिव आपका बाहर, यानी लिविंग ग्रुप आपका क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। बताओ आपको क्या दिक्कत आई, कुछ भी दिक्कत है इसके अंदर, यानी जो इधर थे वो इधर वाले शिफ्ट हो गए, यानी जैसे पहले ऐसे था, अब न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया तो अभी ये कैसे ऐसे शिफ्ट हो गए। भाई जब पीछे से टक्कर मारी आगे, न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया है ऐसे, तो ये सारे उस तरफ शिफ्ट हो गए, ये तीनों तीनों उस तरफ शिफ्ट हो गए, यानी अब कैसा हो गया ऐसा। आप मैच भी कर सकते हो, कार्बन या हाइड्रोजन आपका, ये प्लेन से बाहरी वाला और ये वाला प्लेन के अंदर। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको, ये आपका प्रोडक्ट बन गया बिल्कुल उल्टा, यानी इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन कंपाउंड मिला आपको, और इसे बोलते हैं वोल्डन, इसे आपका याद रखना है वोल्डन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका वोल्डन इन्वर्जन कंपाउंड, ओके गाइस, वोल्डन इन्वर्जन कंपाउंड। अब इसकी कॉन्फिगरेशन, इसकी कॉन्फिगरेशन बिल्कुल इन्वर्टेड है, यानी उल्टी है बिल्कुल। अब आप सोच के देखो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि भाई चारों चारों ग्रुप इस पे भी अलग अलग है और इस पे भी चारों चारों ग्रुप अलग अलग है। अब यहाँ पे आप समझना है, अगर ये मान लो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, यानी अगर ये लाइट को क्या घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो ये लाइट को घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका रीजन क्या है भाई, इन दोनों कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन मतलब जो मेंबर्स का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल उल्टा है, नहीं इन्वर्टेड है, नहीं इन्वर्जन हो रहा है, नहीं यहाँ पे इन्वर्जन कंपाउंड, इन्वर्जन मतलब बिल्कुल उल्टी कॉन्फिगरेशन। अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो कैसे घुमाएगा लाइट को, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा नहीं। और मान लो और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी अगर ये लेवल रोटेटरी होगा, तो ये क्या होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो फिर ये कैसा होगा सीधा से साफ बिल्कुल देसी भाषा में, अगर ये अब पॉजिटिव दिखाएगा नहीं, अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा लाइट को तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों दोनों क्या है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो इतना आपके समझ में आता होगा बिल्कुल अच्छे से, और आप यहाँ तक बिल्कुल समझ चुके होंगे। और लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब इस रिएक्शन को आप करवाओगे, न्यूक्लियो आपका एल्काइलाइड और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाओगे, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब आप यहाँ पे मिक्स करोगे, जब तक आपस में मिलेंगे सॉल्यूशन बनाओगे, जब आपस में दोनों का मेल होगा, जब जाके रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे जो आपको सॉल्वेंट लेना है, यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेके चलते हैं बच्चों,
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे आपको क्या लिखना है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैसा होता है आपका, जैसे आपका बच्चों एसीटोन, कहां पे लिखूं मैं, थोड़ी सी जगह बना के मैं थोड़ा यहां पे लिख रहा हूं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आपका कौन होगा, यहां पे एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 आपका क्या है, एसीटोन। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आपने कौन लिया, एसीटोन, ठीक है। अब इसका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है, पोलर का मतलब पोलर होना चाहिए, उसके पास प्रोटोन नहीं होना चाहिए, यानी पोलर पोलर होना चाहिए, एप्रोटिक यानी इसके पास प्रोटोन ना हो। तो आप पोलर देखो चेक करो कैसे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, भाई ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा कौन खींच के रखेगा, ऑक्सीजन खींच के रखेगा, सीधी सी बात है। तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पे चार्ज जनरेट होगी, चार्ज जनरेट होने का मतलब पोल जनरेट होगी, तो ये कंपाउंड आपका पोलर है। लेकिन आप देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे एच पॉजिटिव नहीं है, एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, प्रोटोन, तो प्रोटोन है इसके पास कोई नहीं है ना, यानी इस ऑक्सीजन के पास प्रोटोन नहीं है देने के लिए, तो पोलर तो ये है, ठीक है, पोलर तो ये है लेकिन एप्रोटिक, एप्रोटिक मतलब इसके पास प्रोटोन नहीं है देने के लिए। आपके समझ बिल्कुल यहाँ तक अच्छे तक अच्छे से आ चुका होगा, तो एक बार दोबारा से देख लो फटाफट से। हमने सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, यानी जिसके साथ कार्बन के चारों चार मेंबर अलग अलग हो, फिर हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, बैक या फ्रंट, बैक अटैक, क्योंकि फ्रंट में तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, जब बैक अटैक होगा तो आपका इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट बनी, उसके बाद आपका क्या हो, जो इधर थे वो बिल्कुल आपके इधर पलट गए। हाँ एक और एग्जांपल आपको बता दूं, बुक के अंदर भी एग्जांपल दिया जाता है, जैसे आपका छाता होता है छतरी, तो छाता पहले इधर खुला होता है जैसे तूफान की तरह, अब आपका जो ये आया क्या नाम है इसका, न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल आपका तूफान की तरह आया बिल्कुल, जैसे छाता आपका पलट जाता है ना, कभी कभी हवा बहुत तेज से चलती है, छाता मान लो ऐसा एकदम उल्टा हो जाता है, तो मान लो पहले तो ऐसे थे, हवा एकदम से न्यूक्लियोफाइल आया आंधी तूफान की तरह, तो एकदम से ऐसे पलट गए इस तरफ, तो इन्वर्जन कंपाउंड इसे बोलते हैं, वोल्टेन इन्वर्जन। अगर ये डायरेक्ट रोटेटरी होगा तो लेवो, यानी अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा लाइट को तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज, एक दूसरे को उल्टे होंगे। और आपका एक है लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मतलब आपका जो यहाँ से बाहर निकल गया, लिविंग ग्रुप। तो ये रिएक्शन आपकी दो चीज पे डिपेंड कर रही है, लिविंग ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए जो छोड़ के जा रहा है जब तक लाएगा, और दूसरा आपका एल्काइल लाइड कैसा है, यानी अटैक करवाने वाला कैसा है। तो यहाँ तक आपसे नोट करो, इसके बाद हम देखते हैं इसकी समरी, यानी यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से नोट करो फटाफट से, समरी क्या निकली आपकी बुक में भी दी होगी ऐसे ही करके, ठीक है। तो चेक करते हैं बच्चों समरी यहाँ से क्या निकली, तो समरी यहाँ से क्या निकली, पहली समरी आपकी निकली जो आपका रेट है, रेट आपका किस किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हाइड पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे भी। यानी रेट कैसे लिखेंगे आपने बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ, रेट को कैसे दिखाते हैं, आर रेट लिखा ऐसे, फिर के यहाँ पे क्या रेट कांस्टेंट, फिर यहाँ पे ऐसे लिखो एक ब्रैकेट बनाओ आर एक्स, यानी अल्काइल हैलाइड, ये जो ब्रैकेट है ऐसा ही बनाना, ये ब्रैकेट दिखा रहा है कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो आपका रेट है किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे, ठीक है बच्चों। फिर आप यहाँ पे क्या लिखना, न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो रेट के अंदर दोनों लिख दी, इसकी पावर कितनी है वन, इसकी पावर कितनी वन, यहाँ पे एन लिखा है, एन क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन क्या यहाँ पे आपका ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑर्डर कितना निकल गया, ऑर्डर किसके इक्वल होता है, जो आपकी कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन की पावर का सम, तो वन प्लस वन कितना आएगा आपका टू, ऑर्डर कितना आएगा टू, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेट कैसे दिखाते हैं भाई, के रेट होता है एक्चुअल बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा, प्रोडक्ट होता है किसका बच्चों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, और यहाँ पे के क्या आपका रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल लाइड, ये कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इतना आपके समझ में आ चुका होगा। अच्छा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन कैसी होगी सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप में। अब बच्चे ही मार खा जाते हैं सबसे ज्यादा, SN2 की समरी है, वो सोचते हैं रिएक्शन किसमें होगी, दो स्टेप में, नहीं दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है लेकिन होगी सिंगल स्टेप में, वो तो बीच में इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप में होगी। तीसरा बैक अटैक, ठीक है, बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहां पे कैसे अटैक करेगा, बैक अटैक। तीन हो गए आपके कंक्लूजन, देखो कितने आसानी सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपके। फोर्थ, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ऐसे नहीं आपको कुछ भी बता दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लोगे, ऑप्टिकली मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लोगे यानी सबस्ट्रेट, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट आपका कौन है यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड। अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड लोगे तो आपको कैसे कंपाउंड मिलेंगे, इन्वर्जन कंपाउंड, इन्वर्जन
कंपाउंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपसे, जो मैं बोलना सिर्फ बनाते रहना। यानी अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव सब्सट्रेट, सब्सट्रेट मतलब एल्काइल लोगे तो आपका जो कंपाउंड मिलेंगे वो कैसे है? इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब ये अगर एक लेवर रोटेटरी तो दूसरा डेक्स्ट रोटेटरी, यानी एक राइट साइड घुमाएगा लाइट को तो एक लेफ्ट साइड घुमाएगा, और आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपके चार पॉइंट हो गए यहाँ तक, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। आपको जो सोलवेंट लेना है वो कैसा है? पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। फिफ्थ जो यहाँ पर रिएक्टिविटी होगी एल्काइलाइड की, यानी यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। आपका जो एल्काइलाइड का ऑर्डर होगा यानी कौन सबसे तेज रिएक्शन करेगा, एल्काइलाइड आपके कौन कौन से होते हैं? जीरो डिग्री एल्काइलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कौन सा एल्काइलाइड ले जो सबसे तेज रिएक्शन करेगा? रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हम देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस के। अब ये क्या चीज़ आ गई? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या? स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड क्या है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइलाइड के स्टेरिक हिंड्रेंस के। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी बढ़ेगी रिएक्शन का रेट उतना घटेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी घटेगी एल्काइलाइड की रिएक्शन का रेट उतना बढ़ेगा। अब स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या? स्टेरिक का मतलब क्या? स्ट्रक्चर, हिंड्रेंस का मतलब है रुकावट यानी रेजिस्टर। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस मैं आपको बता दूं बच्चों, स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया था, हिंड्रेंस मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो स्ट्रक्चर की वजह से आने वाली रुकावट को हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्ट्रक्चर की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कौन सबसे कम पैदा करेगा? आपके भाई एल्काइलाइड कौन कौन है? जीरो डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो एल्काइल हैलाइड सबसे कम रुकावट पैदा करेगा, यानी जिसका स्ट्रक्चर सबसे कम रुकावट क्या करेगा? पैदा करेगा, यानी रेजिस्टेंस पैदा करेगा, वही क्या होगा उसमें सबसे ज्यादा क्या होगी? रिएक्टिविटी होगी। वो सबसे तेज दिखाएगा किसे? SN2 को। समझो आप बात को, जिसमें जो स्ट्रक्चर यानी जो एल्काइल हैलाइड सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाएगा वो SN2 को सबसे तेज दिखाएगा, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जो रुकावट सबसे ज्यादा दिखाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा दिखाएगा एल्काइलाइड, वो सबसे धीमी दिखाएगा कौन? SN2। तो यहां पे अब गाइस हम चेक करते हैं स्ट्रक्चर की वजह से। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कौन-कौन से होते हैं। मैं 0 डिग्री, सबसे पहले हम 0 डिग्री को बनाते हैं। अब आप खुद ही डिसाइड करना, मैं आप पे बना दूं, आप खुद ही बता दो कि कौन सबसे तेज दिखाएगा। देखो जादू क्या बिल्कुल ठीक। तो यहां मैंने कार्बन लिखा, यहां पे हैलोजन मेंब्रेन अटैच किया, अब इसके साथ आपने यहां पे जोड़ा, फिर एच जोड़ा, एच जोड़ा, ये आपका क्या? जीरो डिग्री एल्काइलाइड। जीरो डिग्री क्यों है? जिस कार्बन से आपका हैलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं अटैच है, क्या आपका? जीरो डिग्री। इसके बाद हम इधर चलते हैं, फिर आप हैलोजन मेंबर अटैच करो। जिस कार्बन से आपने हैलोजन मेंबर अटैच किया इसे जोड़ो सिर्फ एक कार्बन से, फिर यहाँ पे आपने एच लगा दिए, यहाँ पे एच लगा दिए, क्या आपका? प्राइमरी। प्राइमरी क्यों है? या वन डिग्री बोलते हैं इसे, वन डिग्री या प्राइमरी। मैं जिस कार्बन से आपका हैलोजन मेंबर अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? सिर्फ एक कार्बन से, तो आपका क्या होगा? प्राइमरी यानी वन डिग्री। इसके बाद हम बना दे रहे हैं सेकेंडरी, सी एक्स, यहाँ पर मैं सेकेंडरी बना रहा हूँ आपका। फिर आपका यहाँ पे कौन आ जाएगा? सी एच थ्री लगा दिया, मान लो आपने मिथाइल, यहाँ पे आपने लगा दिया इथाइल। इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव यानी इथाइल, मिथाइल, इथाइल, और फिर यहाँ पे आप लगा दो H। अब आप चेक करो ये आपका क्या है? टू डिग्री। टू डिग्री का मतलब सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन मेंबर से आपका हैलोजन मेंबर अटैच है, जिस कार्बन मेंबर से आपका हैलोजन मेंबर अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है आपका? वो कार्बन एक, दो, तो आपका क्या? सेकेंडरी। फिर टर्शरी बनाओ, क्यों? बहुत से बच्चे ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का नहीं पता, इसलिए मैं बिल्कुल आपको अच्छे से बता रहा हूँ। एक्स, फिर यहाँ पे आपने लगा दिया मान लो सी एच थ्री, यहाँ पे आपने लगा दिया सी टू एच फाइव, ठीक है बच्चों? सी टू एच फाइव लगा दिया आपने यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे लगा दिया सी थ्री एच सेवन, ये आपका क्या हो गया? टर्शरी। थ्री डिग्री और टर्शरी, यहाँ पे तीन एल्काइल ग्रुप लगे नहीं भाई? जिस कार्बन से आपका हैलोजन मेंबर अटैच है, जिस कार्बन से आपका हैलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक, दो, तीन, तीन एल्काइल ग्रुप से, यहाँ सिर्फ दो एल्काइल ग्रुप, यहाँ एक, तो ये जीरो डिग्री, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री। अब आप ध्यान से सोचने की कोशिश करो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे आराम से अटैक किस में कर पाएगा? आप समझने की कोशिश करो, किस में न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर पाएगा? न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है भीड़ भाड़ सबसे कम जिसमें होगी उसमें सबसे आसानी से अटैक करेगा। भाई न्यूक्लियोफाइल को किस तक पहुंचना है? कार्बन तक। आप ऐसा समझो भाई भीड़ है, मान लो भीड़ में आपको किसी बंदे को ढूंढना है, किसी लड़के को, किसी मतलब लड़के किसी को भी आपको ढूंढना है भीड़ के अंदर। जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ पे ढूंढना आसान है, छीद जहाँ पे होगी यानी जहाँ पे भीड़ कम होगी वहाँ पे ढूंढना आसान है, पर जहाँ पे भीड़ कम होगी वहीं पे ढूंढना आसान है। तो इस न्यूक्लियोफाइल को एक तरीके से किसे ढूंढना है? इस कार्बन को ढूंढना है, इस पे ही तो अटैक करना चाह रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव होता है, ठीक है बच्चों? इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। आप समझने की कोशिश करो बच्चों,
तो इसे किससे ढूंढ रहा है? कार्बन को ढूंढ रहा है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ढूंढ रहा है कार्बन को। अब सबसे आसानी से किस में पहुंच पाएगा? इसमें, 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 आप सोच के बता दो, इसमें तो होगा क्योंकि यहाँ पे क्या भीड़ भाड़ सबसे कम है, तो यहाँ पे अटैक एकदम से करेगा पीछे से आगे। यहाँ पे देखो कितनी रुकावट हो रही है, यहाँ पे ग्रुप है बड़े बड़े, एक ग्रुप आ गया, यहाँ पे थोड़ी और ज्यादा भीड़ होगी। चलो मैं यहाँ से रफ करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे छोटी जगह बना के, तो देखो आपकी समझ में एकदम से आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा सबसे आसानी से, किस में आ पाएगा? यहाँ पे क्या सबसे कम भीड़ है, एच तो थोड़े छोटे छोटे ग्रुप है, सी एच थ्री बड़ा ग्रुप हो गया, ये सब ज्यादा बड़ा। अगर इनमें खोल के लिख दिया ना, मान लो खोल के ऐसे लिख दिया, सी एच थ्री को भी ऐसे खोल के लिख दिया फिर यहाँ पे, तो आपको दिखे, आप समझ जाओगे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। और इसे खोल के लिखोगे ना जब आप यहाँ पे, तो आपकी समझ में और ज्यादा आ जाएगा, और यहाँ पे उससे भी ज्यादा भीड़ है। तो सबसे आसानी से कहाँ पे कर पाएगा अटैक वो? जीरो डिग्री में। तो सबसे तेज कौन दिखाएगा? ऐसे बना दो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आएगा, इधर, ठीक बच्चों? सबसे तेज कौन दिखाएगा? वन डिग्री, यानी वन डिग्री सबसे तेज दिखाएगा, और जीरो डिग्री सबसे तेज दिखाएगा, उसके बाद वन डिग्री, फिर आपका टू डिग्री, फिर आपका थ्री डिग्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और जीरो डिग्री। ये आपका क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड का, ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड ऑर्डर हो गया एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का। अब बताओ आपकी समझ में क्या नहीं आया? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चलते चलते, इसमें सिक्स्थ पॉइंट की लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट आपका कौन मैटर करता है? लिविंग ग्रुप भी मैटर करता है। नेक्स्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? लिविंग ग्रुप पे। लिविंग ग्रुप मतलब जो यहाँ से छोड़ के जाएगा, छोड़ के जाएगा जो सबसे तेज यहाँ से निकलेगा। भाई जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, जब ये जाएगा, जब तो न्यूक्लियोफाइल आएगा सबसे जल्दी जो चला जाए, जब पुराना आदमी ब्रेकअप करके जाएगा, जब तो नया पैचअप होगा, जब तो कोई नया नए रिश्ते बनेंगे, जो पुराना जाएगा, जितनी जल्दी पुराना चले जाएगा उतनी जल्दी क्या होगा, नए रिश्ते बनेंगे, ठीक बच्चों? तो यहाँ से आप समझने की कोशिश करो सबसे तेज कौन जाएगा। लिविंग ग्रुप आपका कौन कौन हो सकता है? एक्स आपका लिविंग ग्रुप कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे आपका कौन कौन हो सकता है? भाई सी के साथ आई जुड़ा हो, या सी के साथ आपका कौन जुड़ा हो बच्चों? ब्रोमीन जुड़ा हो, सी के साथ आपका फ्लोरीन, और सी के साथ आपका क्लोरीन, क्लोरीन और आपका फिर फ्लोरीन। अब आप समझने की कोशिश करो सबसे जल्दी कौन जाएगा बच्चों? आयोडीन में बता रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज होता है सबसे बड़ा। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे आपको जो बॉन्ड लेंथ दिख रही है वो सबसे बड़ी किस्म होती है आयोडीन में, तो आयोडीन का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटता है, क्योंकि बॉन्ड जितने बड़े होंगे, जो चीज जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसे तोड़ना उतना ज्यादा आसान होता है, जो चीज छोटी होती है उसे तोड़ना आसान नहीं होता, उसे भारी होता है। आप देख लो, चाहे बड़ी लकड़ी लो उसे तोड़ो, आप तोड़ दोगे, फिर से और छोटी हो जाएगी और फिर तोड़ दोगे, लेकिन जब बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है उसे तोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ यहाँ बड़ी यहाँ पे होगी, तो सबसे जल्दी ये निकलेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके एकदम से भागेगा। तो सबसे तेज, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन, यानी आई नेगेटिव, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आपका कौन बच्चों? क्लोरीन, सी एन नेगेटिव, फिर आपका फ्लोरीन। तो आपके ऑर्डर आ गए। तो सबसे बढ़िया आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? आपका जीरो डिग्री तो एल्काइल हैलाइड हो, और आयोडीन आपका लिविंग ग्रुप हो, ये सबसे तेज दिखाएगा आपका। यानी अगर आप यहाँ पे बच्चों क्या लगा दो, मैं आपको अगर बना दूँ, जो सबसे फास्ट दिखाएगा इसमें वो कौन होगा? जो सबसे फास्ट दिखाएगा सी के साथ आप यहाँ पे आयोडीन लगा दो, और फिर यहाँ पे आपका एच एच एच, तो आपका जीरो डिग्री है और आपका आयोडीन, यानी सबसे फास्ट दिखाएगा किसे? एसएन2 को, एसएन2 को। और आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर बोर्ड में, एक नंबर में आता है, ज्यादातर दो में, वहाँ पे वो कंपाउंड दे देगा, दो तीन कंपाउंड देगा, बता रहा हूँ कितना आसान क्वेश्चन होता है। अब बोर्ड के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं लास्ट में, कि जो आपका क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, वहाँ पे दो तीन कंपाउंड देगा, फिर बोलेगा सबसे तेज यहाँ पे एसएन2 कौन दिखाएगा। तो आपको बस एकदम से क्या देखना है, जो जीरो डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है देखने, जो जीरो डिग्री हुआ तो वो दिखाएगा, प्राइमरी हुआ तो वो दिखाएगा सबसे तेज, ठीक है? तो जो सबसे तेज दिखाएंगे आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और आपके बताए लिविंग ग्रुप जहाँ पे, फिर लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग आ सकता है, जो लिविंग ग्रुप जहाँ पे अकॉर्डिंग वो सबसे तेज दिखाएगा। तो इतना आपको याद रखना है, और इसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करें अपने उससे। लास्ट में एक चीज में इसके बाद एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं। और न्यूक्लियोफाइल आपका जो होना चाहिए यहां पे, न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जब अटैक करने में दम होगा, जब तो बॉन्ड टूटेंगे पुराने, जो नया आदमी आ रहा है, मतलब जो नया आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसमें दम होना चाहिए, जब तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, जब ब्रेकअप करवाने का दम होगा उसमें, जब तो पैचअप होगा नया। अब यहां पे समझने की कोशिश करो आप बच्चों, मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन ले रहे हैं सी, यहाँ पे हमने आयोडीन ले लिया, ठीक है? आप यहाँ पे क्या ले लो, एच एच, और यहाँ पे आपने एच ले लिया, प्लस आपका मान लो यहाँ पे आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ, एन ए ओ एच के साथ, एन ए ओ एच, और आपने यहाँ पे सोलवेंट क्या लिया, मान लो एसीटोन सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, एसीटोन, यानी पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, अभी हमने पढ़ा था पोलर एप्रोटिक सोलवेंट लेना है। तो आप इसे अब कंप्लीट कर सकते हो आसानी से, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चेक करो, आपका न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे OH नेगेटिव, ये क्या देगा? OH नेगेटिव, ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल, ये किस पे अटैक करेगा? इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर।
और ये एक चीज और याद रखनी, आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाया, जब तो मैंने सिंपल बनाया, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए क्या कंडीशन थी, काइरल कार्बन। अब बताओ यहाँ पे काइरल कार्बन है क्या, काइरल कार्बन की कंडीशन क्या थी, जो चार मेंबर हो क्या चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर तो तीन मेंबर सेम है, यहाँ पे तो तीन मेंबर सेम है नहीं गाइज, तो यहाँ पे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, जब तो मैंने एग्जांपल लिया ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ठीक नो लिख दिया मैंने, मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाई क्योंकि इसमें काइरल कार्बन नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, कार्बन दे देगा, काइरल कार्बन पहचानो, ये दे देगा क्वेश्चन, एल्काइल आयनों पहचानो, आइडेंटिफाई करो काइरल कार्बन किस में है, तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से ही बनेंगे, बस आपको बुक में से क्वेश्चन करने पड़ेंगे अपने आप से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप OH कहाँ पे आ जाएगा आपका, इस कार्बन पे आ जाएगा, तो आपको बन जाएगा CH3 यानी H और यहाँ पे आपको OH, आप सिंपल भी लिख सकते हो CH3OH, आपका प्रोडक्ट बन गया और Na आई आपका बाहर हो गया प्लस NaI, ये क्या आपका अल्कोहल, प्रोडक्ट क्या बनता है अल्कोहल। आपका जो प्रोडक्ट होगा किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, अल्कोहल यानी मिथेनॉल, ये क्या आपका मिथेनॉल। सो आज का लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आओगा बच्चों, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दिल से तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन हो, और शेयर कर दो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है बच्चों। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, होमवर्क वगैरह आप अपना पढ़ सकते हो उसके अंदर से। तो बाय, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।